कमाल है, एक यूनिवर्स जिसमें ओमनीट्रिक्स नहीं है, कोई पूरे स्पेस और टाइम में से सभी अलग अलग बेंस को किडनैप कर रहा है। एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब। जिस पल मुझे तुम्हारा यूनिवर्स मिला, मैं समझ गया कि मुझे हर उस बेन टेनिसन के मल्टीवर्स को मिटाने का जरिया मिल गया जिसने ओमनीट्रिक्स का नाम भी सुना। तो अब हम क्या करेंगे? जहां सब शुरू हुआ था वहां जाओ, सबसे शुरुआत में। क्या बात है, हम एक स्पेसशिप पर हैं, स्पेस में। मास्टर विलगेट्स, उनके प्रोपल्शन सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हम विलगैक्स से इसलिए बचकर निकले ताकि उसकी स्पेसशिप में छुप सके? अब हम बेन प्राइम टाइमलाइन के करीब पहुंच रहे हैं, यानी उस बेन टेनिसन ट्री के पास जहां से बाकी सारी बेन रियलिटीज फैलती हैं। तुम्हें इस टाइम स्ट्रीम को रीबूट करना होगा। और रीबूट बटन यहीं कहीं है? ट्रांस डायमेंशनल हायरार्की दोबारा लिखी गई है, यहाँ कोई बटन वटन नहीं है, सिर्फ वजह और असर। तो हमें क्या करना होगा? बस बेन प्राइम को उसका ओमनीट्रिक्स मिल जाना चाहिए। और वो ओमनीट्रिक्स कहाँ है? ठीक है, अब वक्त है इसे टेस्ट ड्राइव पर ले जाने का। विलगैक्स पछताएगा कि वो पैदा ही क्यों हुआ, या ऐसा ही कुछ, देख लेना। चलो उसकी पिटाई करते हैं। एक्चुअली ज्यादातर गैल्वन स्पीशीज टेक्नोलॉजिकल जीनियसेस होते हैं। तो थोड़ा बुद्धू बनाते हैं। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। चढ़ने को तैयार हो जाओ, मुझे ओमनीट्रिक्स चाहिए अभी। क्या ये नामुमकिन है? फिक्र मत करो, उस पॉड में ओमनीट्रिक्स है लेकिन उसकी ट्रेजेक्टरी ऑफ है। वो बेन प्राइम के पास नहीं लैंड करेगा जब तक उसका रास्ता बदलने के लिए हम कुछ नहीं करते। कोई तरीका है? मुझे उल्टी होने वाली है। ओह नो, ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा वेकेशन है। वो एक टूटता तारा। मुझे लगा था कि हीरो वाला काम थोड़ा और ग्लैमरस होगा। हाँ? ये तो किसी सैटेलाइट जैसा दिखता है। मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? शायद उसे थोड़ा उकसाने की जरूरत है। एक वॉच? आउटर स्पेस में एक वॉच क्या कर रहा है? मुझ पर से हटो, हट जाओ। मिशन पूरा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा काम तो अभी अभी शुरू हुआ है। Thank you.
मुझे आग लग गई। आपने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा काम तो अभी शुरू हुआ है? तुम बेन प्राइम टाइमलाइन को रीबूट करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन इससे विलगैक्स कंटिन्यूम भी रीसेट हो गया। और उस एलियन मॉन्स्टर का मुझे पूरी तरह मिटाने का प्लान भी। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे अच्छे रूपों को जमा करके उनकी हिफाजत करो, ताकि इयोन और तुम्हारे बुरे रूपों के साथ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ सको। अरे यार, इस क्रॉस टाइम ट्रैवल से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रुको, बंद करो। जंगल में आग लगी है। ये अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये सब होना ही था। ये क्या? इसके लिए मैं बुरी तरह से फंसने वाला हूँ। मैं ये जगह पहचानता हूँ। ये तो वो कैंप साइट है जो सबसे बुरा समर था। तो हम किसके पीछे पड़े हैं? एक और 10 साल का बैंक जिसके पास ओमनीट्रिक्स है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। इस बैंक ने अपना ओमनीट्रिक्स क्यों नहीं पहना है? कहाँ है वो? बस वो अब किसी भी वक्त आता ही होगा। वहाँ से निकलो! क्या? अरे फिर से नहीं। ये रात तो और भी अजीब बनती जा रही है। ओके मॉन्स्टर डॉगी, बोलो हमारे कैंपसाइट के आसपास क्यों मंडरा रहे थे, और बिना आंखों के तुम्हें कैसे पता चला मैं आ रही हूँ? पता नहीं, मैं भी इसमें इतना ही नया हूँ जितनी तुम। आखिर तुम कौन हो, जाने पहचाने लगते हो। ये मैं हूँ बेन। ओके, नया सवाल। मैं सब समझाता हूँ। तो इस टाइमलाइन में ग्वेन समझ गई। सॉरी, तुम सो गए तो समझो खो गए। क्या मैं इकलौता बेन हूँ जिसने ओमनीट्रिक्स देखा है? हाँ। हे ग्वेन, विलगैक्स के बारे में तुम तैयार हो? बिल्कुल बेन, अगर फैमिली पर भरोसा नहीं तो फिर किस पर? बेलवुड? कुछ अलग सा लग रहा है, क्या ये फ्यूचर है? ये तो 23rd डायमेंशन है। हे, जरा देखो तो। बदमाशों सावधान, बेन 23 हर जगह है। ओह नो, मेरे बिलबोर्ड नहीं। अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हारा हाल भी उन्हीं बाकी बेन टेनिसन के जैसा होगा जिन्होंने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया। वो विलगैक्स है? वो इयोन है, लेकिन वैसे वो मैं ही हूँ, मतलब मेरा एक बुरा रूप। क्या इस टाइम ट्रैवल से कभी तुम्हें सर दर्द हुआ है? हमेशा। मुझे लगा तुम सिर्फ चुटकियों का खेल हो। मुझे इसका मतलब तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। हमें उस बेन की मदद करनी होगी। अगर इयोन ने बाकी एलियन हीरोज को इस बेन की मदद करते हुए देखा तो उसे एहसास होगा कि हम क्रॉस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। हम यहाँ बैठकर उसके चीथड़े उड़ते नहीं देख सकते। तो हमें इस तरह मदद करनी होगी कि इयोन को पता ना चले कि हम मदद कर रहे हैं। तुम्हारा निशाना चूक गया बुद्धू। तुम मुझे डरा नहीं सकते बेन, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह से जानता हूँ। सब मुझे जानते हैं, मेरे तो बिलबोर्ड्स लगे हैं। ये बहुत कमाल का है। बेन, क्या ये तुम हो? हाँ, पर मैं वो बेन नहीं हूँ जो तुम सोचते हो। लेकिन तुम दिखते तो बिल्कुल वैसे ही हो। मैंने इसे कमजोर कैसे समझ लिया?
ओके, मैं वो बेन हूँ जिसके पास ओमनीट्रिक्स नहीं है। ये मेरा ओमनीट्रिक्स नहीं है, ये बेन है। इसे तब तक के लिए पहना है जब तक सारे बेन्स इकट्ठा ना कर लूं। क्या तुम सर के बाल गिर विर गए थे? ग्वेन। कजिन ग्वेन? ओके, तुम उसे संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। बिग बग ये काम कर लेगा। उसने इतने जल्दी एलियंस कैसे बदल लिए? ये बेन एक परेशानी बनते जा रहा है। ऐसे बेन जरूर होंगे जिन्हें पकड़ना आसान है। थैंक्स, तुमने उस इयोन के खिलाफ मेरी मदद की। उसका इरादा क्या है? वो हर एक यूनिवर्स के हर एक बेन को मिटाने वाला है, इसीलिए हम यहाँ हैं। क्या तुम पर भरोसा कर सकते हैं, मतलब मदद के लिए? कल मेरे पूरे दिन का शेड्यूल बना हुआ है। अगर आज तुमने हमारी मदद नहीं की तो शायद कल होगा ही नहीं। मैं अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हो गया, अब मैं तुम्हारा हूँ। सुनो, शायद ये वाला बेवकूफ है। हाँ? हाँ, नहीं। हम हैं कहाँ? ये है बेन 10,000 का गैलेक्टिक हेडक्वार्टर्स। कूल। पैराडॉक्स। हेलो बेन। मैं समझ गया, किसी तरह का क्रॉस टाइम कयामत का खतरा जिसे सिर्फ ओमनीट्रिक्स पहनने वाले रोक सकते हैं। लगता है इस वाले बेन के दिमाग का ऑपरेशन हुआ था। बुद्धू, तो चलो चलते हैं। हे, वो ये कौन है? क्लॉकवर्क। इसके पास टाइम पावर्स हैं। स्पीड बढ़ाओ, स्लो हो जाओ, आगे पीछे। क्योंकि इयोन बेन का एक और रूप है, उसे आने वाला सोटोब्रो इफेक्ट महसूस हो सकेगा। सोटोब्रो इफेक्ट? टाइम स्ट्रीम में एक तरह का झटका जो क्लॉकवर्क अपने पावर्स इस्तेमाल करते वक्त पैदा करता है। तो फिर हमें खतरा नहीं उठाना चाहिए। अगर इयोन और विलगैक्स को जरा भी शक हुआ तो वो अपने प्लान्स बदल देंगे। समझ गया, मुझे अपने बेटे को बताने दो। केनी, यहीं बैठना, मुझे कुछ काम से जाना है। मैं तैयार हूँ। सुनो बेंस और ग्वेन, इस बात से परेशान मत होना कि उन बदमाशों का चेहरा जाना पहचाना लगेगा, और विलगैक्स भी यही चाहता है। और अगर पैराडॉक्स की बात सच है तो घबराना मत, हमारे ये दूसरे रूप ये वो हैं जो इतने कमजोर हैं कि विलगैक्स के बहकावे में आ जाएंगे। और गड़बड़ हुई तो कोई और प्लान है? प्लान तो नहीं है, अगर विलगैक्स कामयाब हुआ तो मल्टीवर्स के लिए सब कुछ खत्म। मैं भी तैयार हूँ। रुको, पैराडॉक्स। हेलो हेलो, यकीन नहीं होता वो मुझे भूल गए। शायद मैं उनके लिए रुकावट बन जाता। मैं कोई असली हीरो नहीं हूँ बाकियों की तरह। बकवास बेंजामिन, तुमने साबित किया है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बहादुर दिल धड़कता है। तो फिर आप मुझे बाकियों के साथ क्यों नहीं ले गए? अपने जैसे दूसरे बेंच से मिलना और बात थी, लेकिन उनके साथ आने से तुम्हारे टाइमलाइन में बहुत गड़बड़ हो जाती। मैं कुछ समझे नहीं। मैं जानता हूँ नहीं समझे। लड़ाई में फिर से हिस्सा लोगे? पूरी जिंदगी मुझसे दूर भागते रहो बेन टेनिसन, अब हमेशा के लिए ये यूनिवर्स पूरी तरह से मेरा हो गया है। गलत बूढ़े स्क्विड। इतने जल्दी लौट आए, उस नौटंकीबाज पैराडॉक्स के साथ तुम्हें वक्त में खो जाना चाहिए था। पीछे हटो। क्या बात है, तुमने मेरे लिए एक ओमनीट्रिक्स रखा है? अफसोस, तुम्हें उसे इस्तेमाल करना भी नहीं आता। मैंने अभी अभी क्रैश कोर्स किया है,
तो अब तुम्हें लगता है कि तुम एक हीरो हो। मुझे पता है मैं हूँ। ये है हीरो टाइम। एक क्रोनोसेपियन। एक छोटी सी कोशिश। कैसे? मुझे पता है, क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब पैराडॉक्स सही था। जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ तब मैंने सुचो ब्रो इफेक्ट देखा, तो सोचा झटके को जरा वापस खींच लूं। दो के बाद टाइम आउट। मतलब ये वॉच। Thanks, sis. Cousin, sis. Butto, cousin. जबान संभाल के मॉन्स्टर कहीं के। घबराओ मत, मिस्टर मंकी इसे संभाल लेगा, या चाकोल मैन, शायद कॉपी। सच में तुम अपने एलियंस को हीरो वाले नाम देते हो? इनका फोकस टेस्ट लाजवाब है। उल्टी मैन। अब तुम लोगों के जाने का वक्त हो गया। बेन। हाँ? तुम अब भी क्लॉकवर्क हो। जो भी है। क्या वो सब उन भयानक टाइमलाइंस में लौट गए जिन्होंने उन्हें पैदा किया था? ये वाला तुम्हारा है। समझ गया। ये कमाल तुमने किया। बहुत अच्छे। मैं ऑल्टरनेट बेंस को वापस उनकी रियलिटीज में ले जाता हूँ। मुझे करने दीजिए। तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो बेन। बाद में मिलेंगे ग्वेन।
तुम्हारा ओमनीट्रिक्स मुझे देने के लिए थैंक्स। एक फुल टाइम हीरो बनकर बहुत मजा आया। तुमने हमारा नाम रोशन किया। तो हम इसके साथ क्या करेंगे? बुरा ना मानो तो मैं जरा हाथ साफ कर लूं। ग्रैंडपा? रुकिए, आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? आप किसी तरह के सुपर कॉप नहीं हैं, आप हैं ग्रैंडपा मैक्स द प्लमर। मैं तुम्हें पहले ही बता देता सच में, मगर कुछ रूल्स मानने पड़ते हैं। अब जब सारा सच बाहर आ ही गया है तो चलो विल गैक्स को सीधे कैद में भेज देते हैं। आप इतने वक्त से ये कमाल के स्पेस सीक्रेट एजेंट थे और आपने मुझे बताया तक नहीं? और आपको पता है कि विल गैक्स कौन है? मेरा ये हाथ यूं ही नहीं टूटा है। पेड़ की टहनी को वापस लाने का वक्त आ गया है। लगता है ये वाला बेन आखिर हीरो बन ही जाएगा। हाँ, एक कहानी बताने के कितने सारे तरीके होते हैं, लेकिन इसी से वो दिलचस्प बनती है। उसका नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो अब चलें।